मान जी आपका आज पहला दिन है, क्या परेशानी हुई है आपको? धीरे धीरे कम दिखाई देने लगा। रात को पहले कम दिखाई दिया, कब से? सर वैसे तो काम चल जाता था लेकिन अभी ज़्यादा होने लग रहा है धीरे धीरे। कितने 10-11 साल 12 साल कब से नाइट में कब से कम दिखा? 8-10 साल। 10 साल से रात को कम दिखा। हाँ, उसके बाद दिन में? दिन में भी वैसे ही दिखता है, थोड़ा कम दिखता है, पहचान नहीं पाते हैं आगे। पहले रात को कम दिखा या दिन को? रात। 10 साल हो गए। हाँ सर। और दिन में? दिन में भी वैसे ही। दोनों साथ में ही हुए थे। हाँ सर। गाड़ी चलाना कब से बंद करी आपने? गाड़ी तो ऐसे मैं चला लेता हूँ लेकिन एक तो डर रहता है कि कहीं ठोकर ना। डर कब से लग रहा है? डर हो गया 2-3 साल से लग रहा है। 3 साल से ज्यादा डर लगता है? हाँ। पहले चला लेता था, मतलब चलाने भर आ जा लेता था, और अभी तो डर लगने लगा है। गाड़ी चलाने में डर लगता है कि कहीं स्पीड ब्रेकर सबको पता नहीं चलता है सर, शाम होने से उछक जाता है सामान, गाड़ी जंप कर जाती है। हाँ सर। गड्ढे भी नहीं दिखते होंगे? हाँ सर, गड्ढे में गाड़ी कूद जाती है। जी सर। शाम पड़े दिन दिन में ऐसे चला लेता हूँ लेकिन शाम होने से रात को मैं नहीं चला पाता हूँ। और सीढ़ी चढ़ने उतरने में क्या होता है? वही दिन को तो सही रहता है बट रात को नहीं। कोई आपसे हाथ मिलाता है तुरंत मिला लेते हो? हाँ ऐसे तो मिला लूँगा लेकिन कोई बोलता है तब के? वैसे भी कोई आइसक्रीम दे चाय दे एकदम आप देख नहीं पाते हो, आपको चेहरा घुमा के देखना पड़ता है। नहीं, लो चाय ले, दूर से नहीं दिखता है। लो चाय ले लो ऐसा कोई देता है तो मतलब परेशानी है, पर अभी एक आंख में आपकी रोशनी ठीक है, इस कारण आपको दिक्कत कम आ रही है। देखें आज दूर का क्या दिख रहा है आप? दूसरी आँख से देखो। TDB। लेफ्ट आँख से आपको 3 लाइनें नजर आई है, राइट आँख से आप 4th लाइन के 3 अक्षर सही पढ़ रहे हैं। पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? जी सर, 26, 96, 73, 97, 45। आपको कलर ब्लाइंडनेस की शिकायत अभी नहीं है, नॉर्मल कलर विजन है आपका, सारे कलर आपको पहचान में आ रहे हैं। दुखी नहीं रहोगे, कोई वस्तु प्राप्त करनी हो तो उसके नहीं। दूसरी आँख से राइट आँख से 3 लाइन आई। दुखी नहीं रहोगे, कोई वस्तु प्राप्त करनी। इस आँख का तुलना में इसमें ज्यादा ब्लर, लेफ्ट में ब्लर दिख रहा है। जी सर, है ना। दोनों आँख से 3 लाइन ही रही है लेकिन लेफ्ट में सर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक मैं जी, आज आपको 3री लाइन पास की दिख रही है लेफ्ट आँख से साफ, राइट आँख से साफ, और लेफ्ट आँख से वो धुंधली दिखाई पड़ रही है। जी, हम प्रयास करेंगे कि आपकी जिंदगी में फिर रोशनी बढ़े और आप पास का दूर का अच्छे से देख पाए। महन जी कहाँ से आए आप? झारखंड से। क्या परेशानी हुई आप? विजन कम हो रहा है सर। दिन में कम दिखता है, रात को? सर दिन को भी रात को। शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऐसे नॉर्मल हमको मतलब काला काला धुंधला दिखता, धीरे धीरे विजन भी घट। नहीं तो पास का रात को कम दिखता था कि दिन में कम दिखता था? रात में ज्यादा कम दिखता। शुरुआत रात में कम हुई, उसके बाद दिन में कम हो गया। जी है ना। गाड़ी चलाने में दिक्कत आने लगी? मतलब ऐसे चला लेते हैं लेकिन फिर एक तो डर बना रहता है कि ठकना कब टकरा जाएंगे मालूम नहीं, क्योंकि साइड से क्या निकलता है समझ में नहीं आता, है ना। साइड से कोई वाहन, कोई दोस्त भी आते रहता है आगे से, तुम कभी कभार पहचान नहीं पाते। कोई आपसे हाथ मिलाता है तो आप हाथ मिला पाते हो? नहीं। ऐसे तो मिला लेते, कोई गुजरता है तो उसको हम पहचानते हैं, समझ में नहीं आता कौन आ रहा है। स्पीड ब्रेकर वगैरह दिख जाते हैं कि नहीं? रात को नहीं दिखते, शाम से पड़े से तो स्पीड ब्रेकर गड्ढे नहीं दिखते, इससे भी गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है। सीढ़ी चढ़ने उतरने में मतलब रात को होता है, चढ़ जाते उतरने में दिक्कत रहती है? नहीं उतर भी जाता, दिन को उतर जाता हूँ पर रात को दिक्कत, रात को दिक्कत होती। चलिए देखिए, ये जो परेशानी आ रही है वो आपका पेरिफेरल विजन कम होने से आ रही है। हम प्रयास करेंगे कि आपका विजन ठीक हो और आप उन्हें नॉर्मल चलने लगे। कितने सालों से हो रहा है? 8-10 साल। 10 साल से। मान जी आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आंख का, और इसमें ऊपर की साइड 2.9 इंच, नीचे 3 इंच, राइट हैंड साइड पे 2.5 इंच और लेफ्ट हैंड साइड पे 2.8 इंच ही आपका पेरिफेरल विजन बचा है, बाकी का पेरिफेरल विजन खत्म हो गया है। यही कारण है कि आपको गाड़ी चलाने में शाम को दिक्कत होने लगती है, स्पीड ब्रेकर नहीं दिखते, गड्ढे नहीं दिखते, सीढ़ियों में चढ़ने उतरने में परेशानी होती है। कोई फ्रेंड आपका दूर से हाथ हिलाता है तो आपको दिखाई नहीं देता है कि आप पहचान में भी नहीं आते, पहचान में नहीं आता है, दूर की नज़र भी आपकी कम होती चली जा रही है। महन जी बहुत सारी बधाई हो, आपके जीवन में वो क्षण आए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते थे। आपका पेरिफेरल विजन इतना बढ़ गया है मात्र 7 दिनों में, पहले कोर्स के बाद ही इतना ड्रास्टिक चेंज आया है कि आप भी इमेजिन नहीं कर सकते थे। आपने कई जगह दिखाया आंखों के लिए। क्या कहा था सभी जगह? सर वही कहा गया था कि इसका इलाज नहीं है और नहीं बढ़ सकते।
आंखों की रोशनी बढ़ नहीं सकती, बढ़ना तो ठीक है, खत्म होना रुक नहीं सकती, है ना। अल्टीमेटली आपकी आंखें खत्म हो जाएगी और आपको दिखना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा कहा था आपको, कहाँ कहाँ दिखाया था आपने? मैंने एलवी प्रसाद के यहाँ दिखाया था, भुवनेश्वर। हाँ। और बस वहीं दिखाया था। मेन एलवी प्रसाद ने दिखाया जी सर। वो जहाँ आप रहते वहाँ लोकल भी तो दिखाया होगा? हाँ सर, वो आमने सामने दिखाया था लोकल, डॉक्टर्स को दिखाया था, नेत्र रोग विशेषज्ञ को, उन्होंने कहा था इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है जी सर। तो आप जब यहाँ आए थे आपका अपर पार्ट में जो 2.9 इंचेस पेरिफेरल विजन था ये बढ़ के 10.5 हो गया है, नीचे की तरफ आपका 3 इंची था वो 9.5 हो गया है, जस्ट 3 गुना से ज़्यादा। और राइट हैंड साइड पे आपका 2.6 था ये बढ़ के 8 हो गया है, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपका 2.8 था वो 8 हो गया है, जस्ट 3 गुना से ज़्यादा आपकी रोशनी बढ़ी है। खुश हैं आप इलाज से? जी सर। अब लगता है कि आपकी जिंदगी में अंधकार नहीं आएगा? जी सर, अगर इससे अच्छा इम्प्रूव होता गया तो मैं हो सकता है, इतना जल्दी इतना बढ़िया इम्प्रूवमेंट आया तो हो सकता है 2-4 बार में ही आप एक आम इंसान की तरह देखना शुरू कर दें। देखें लेफ्ट आंख में क्या फर्क आया है। महन जी बहुत सारी बधाई हो आपको, 4.9 इंच का आपका विजन अपर साइड पे 10.5 इंच हो गया, जस्ट डबल। राइट हैंड साइड का आपका 3.9 का 8 इंची हो गया है, ये डबल से ज़्यादा है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको 3.2 से 8 इंच हो गया है, ये भी डबल से ज़्यादा है। और लोअर साइड पे 6.2 का 9.5 हुआ है। इस तरह की तरक्की, इस तरह का इम्प्रूवमेंट इंसान कोई सोच नहीं सकता कि लॉस्ट पेरिफेरल विजन में, जो पेरिफेरल विजन खत्म हो चुका है, उसमें इतना रोशनी एकदम बढ़ सकती है। आपकी रोशनी दोनों आँखों में बढ़ी है जी। आप यहाँ पे पहला कोर्स लिए हैं, इस कोर्स में आप पहले दिन आए थे और आज की तारीख में आपको कैसा महसूस हो रहा है चलने फिरने में? कॉन्फिडेंस आ गई सर। कॉन्फिडेंस आ गया है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में जी दिक्कत कुछ हो रही है? नहीं नहीं हो रही। बाजार में आप जाते आते हैं वहाँ आपको कोई परेशानी लगती है कि मैं टकरा जाऊंगा या कोई? नहीं सर। व्यक्ति आपको सब क्लियर दिख रहे हैं दूर के? जी। आराम से आप चल फिर रहे हैं, किसी के आपको मदद की जरूरत नहीं लगती है। बहुत सारी बधाई हो। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है, जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में।